हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 14, लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, इस लेसन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया स्टूडेंट, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे आपको सिक्स स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस के भी लेसन मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको इस लेसन में लाइट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें बताई गई है, जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और लाइट किस तरीके से ट्रैवल करता है, प्रोपेगेट होता है, ये हमने उस फर्स्ट पार्ट में देखा है। और लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। तो आज जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का, वो हमें इस वीडियो में देखना है। पिन होल कैमरा, तो ये कैसे बनाया जाता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे टेक एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल बॉक्स, रिमूव इट्स कैप ऑन वन साइड एंड पेस्ट अ थिन वाइट पेपर इन इट्स प्लेस, मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द अदर कैप। तो देखिए स्टूडेंट, आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लेना है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल बॉक्स लेना है जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिमूव इट्स कैप, तो उसकी जो कैप रहेगी उसको आपको रिमूव करना है ऑन वन साइड, और उसकी जगह पे आपको क्या करना है, एक थिन वाइट पेपर जो है उसको पेस्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस तरीके से वाइट पेपर आपको पेस्ट करना है। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द अदर कैप, अदर कैप जो रहेगी, दूसरा एंड जो रहेगा उस बॉक्स का, वहाँ पे कैप में आपको क्या करना है, एक छोटा सा होल करना है। लाइट अ कैंडल एंड होल्ड द बॉक्स इन सच अ वे दैट द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज इन फ्रंट ऑफ द होल, नाउ यू विल सी एन अपसाइड डाउन और इन्वर्टेड इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द थिन पेपर एट द अदर एंड। तो देखिए यहाँ पे अगेन आपको एक पिक्चर दिया है, यहाँ पे डायग्राम है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने क्या किया है, जो एक कैप है बॉक्स की एक साइड में, वहाँ पे थिन पेपर लगाया, कैप को निकाल दिया हमने और उस पर एक वाइट थिन पेपर लगाया है। उसके बाद जो अदर एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉक्स का, इसके कैप में एक छोटा सा यहाँ पे कैप है, यहाँ पे छोटा सा होल किया हुआ है, और उसके बाद इस एग्जैक्टली होल के सामने एक कैंडल को इस तरीके से जलाया है, और ये जो कैंडल की फ्लेम है इससे यहाँ पे रोशनी जाएगी इस होल से, और फिर हमें इस थिन पेपर के ऊपर इस तरीके से इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज आपको दिखने वाली है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये छोटा सा होल यहाँ पे रहेगा जिसके थ्रू ये कैंडल जो है, कैंडल की जो इमेज है, हमें इस तरीके से इन्वर्टेड मतलब उल्टी यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका पिन होल कैमरा, जो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो करके, ये जो एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी है ये भी आप घर पे ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। उसके बाद दिया है, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस ऑन लुकिंग थ्रू द विंडोज इन द पिक्चर, व्हाट कॉजेज द डिफरेंसेस। तो देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं, जो कि विंडोज आपको दिए है, 1, 2 एंड 3 दिए है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस आपको क्या नज़र आ रहे हैं। अगर फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम विंडो की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विंडो पैन से आपको क्लियरली पिक्चर दिख रहा है, बाहर के साइड जो भी आपको स्काई दिख रहा है या फिर जो ग्रीन वहाँ पे ग्रास दिख रही है, क्लियर दिख रही है। अगर सेकेंड विंडो की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा धुंधला हुआ दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है क्या नहीं। और जो थर्ड विंडो है इसमें से हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये डिफरेंसेस क्यों दिख रहे हैं हमें, यही हमें यहाँ पे देखना है। सेकेंड यहाँ पे दिया है, द पिक्चर शोज ट्रांसपेरेंट ओपैक ट्रांसलूसेंट विंडोज पैंस फॉर देम। तो देखिए यहाँ पे तीन टर्म्स आए आपको, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है, कि कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसके थ्रू आप उस दूसरे साइड का देख सकते हो क्लियरली, तो होता है ट्रांसपेरेंट। तो देखिए जो फर्स्ट विंडो है ये क्या है, इसके जो पैन विंडो में लगे हुए जो भी ग्लास वहाँ पे लगा हुआ है ये कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू आपको क्लियरली दूसरे साइड के पिक्चर्स या फिर जो भी सीनरी है वहाँ पे, जो भी चीज़ है वो आपको क्लियरली दिख रही है, तो ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। उसके बाद है ओपेक, ओपेक का मीनिंग क्या होता है, कि आपको दूसरे साइड का कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जैसे कि थर्ड विंडो आपको दिख रही है, यहाँ से हमें उस साइड का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विंडो पैन जो है ये ओपेक बनाए गए हैं, इनके थ्रू हमें उस साइड का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देन उसके बाद है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का मीनिंग होता है कि ऐसी कांच या फिर ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आपको दिखाई तो देगा लेकिन क्लियरली नहीं, पार्शली आपको चीज़ें दिखाई देगी, थोड़ी सी दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखेगा, तो उसको कहा जाता है ट्रांसलूसेंट। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द विंडो पेन, वी मे और मे नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड थ्रू इट, आइडेंटिफाई द ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। जैसे कि पीस ऑफ ग्लास होता है,
वैक्स पेपर है, टिंटेड ग्लास है, इनको देखिए और देखने की कोशिश कीजिए कि दूसरे साइड का कुछ आपको दिख रहा है क्या, जैसे कि ग्लास है, पीस ऑफ ग्लास है, या फिर सिंपली आपके घर में जो ग्लास होगा कांच का ग्लास वो देखिए, उसके थ्रू देखने की कोशिश कीजिए आपको दिख रहा है क्या। ऑयल पेपर होता है उसके थ्रू देखिए, वाइट प्लास्टिक होता है उसके थ्रू देखिए, या फिर टी केटल, नोटबुक, क्लोथ, वाटर, वुडन कबर्ड, शीट ऑफ ए नोटबुक, ऐसे कई सारी चीज़ें जो आपको घर में मिल जाएंगी उसके थ्रू देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है दूसरे साइड की कोई भी चीज़ तो वो होगी आपके ट्रांसपेरेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो वो होगा ओपैक। अगर आपको पार्शली थोड़ा बहुत दिख रहा है तो होगा ट्रांसलूसेंट चीज़ें, या फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि ट्रांसपेरेंट ऑपेक एंड ट्रांसलूसेंट मीन्स क्या होता है। द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट क्यों है, जैसे कि हमने फर्स्ट विंडो देखी तो ये फर्स्ट विंडो ट्रांसपेरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट है ये पूरी तरीके से क्या हो रही है, पास हो रही है। बाहर से आने वाली जो लाइट है ये पूरी तरीके से ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे अंदर आ रही है, जिसके कारण हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। द मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज सेड टू बी ओपेक। अगर थर्ड विंडो की हम बात करेंगे, यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, जिसके कारण हमें बाहर की चीज़ें या फिर उस विंडो के दूसरे साइड में क्या है ये नहीं दिखाई देता है। थर्ड वन दिया है आपको ट्रांसलूसेंट का मीनिंग, द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस पार्शली इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। ये जो सेकेंड नंबर की विंडो है यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट पास तो हो रही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पार्शली लाइट पास होती है, इसलिए हमें ट्रांसलूसेंट दिखता है, थोड़ी सी चीज़ें दिखती है, पूरी तरीके से कम्प्लीटली नहीं दिख पाती है। तो ये तीनों जो टर्म्स है ये आपको आगे भी काम आने वाले हैं, तो आपको याद रखना है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। फॉर्मेशन ऑफ शैडो, जो हमारी शैडो होती है, जो हमारी परछाई होती है, ये किस तरीके से फॉर्म होती है ये हमें यहाँ पे देखना है। टेक एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, फ्लैश इट्स लाइट ऑन ए वॉल। नाउ मेक योर फ्रेंड स्टैंड इन बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल, व्हाट हैपन्स। देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे, सिंपली जो घर में भी आप कर सकते हो, इस तरीके से टॉर्च लेना है और वॉल के ऊपर टॉर्च पकड़ना है आपको चालू करके। उसके बाद आपके फ्रेंड या फिर घर पे अगर आप कर रहे हो, आपके भाई बहन जो भी होंगे उनको यहाँ पे खड़ा करना है। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए आपको इस तरीके से उनकी शैडो दिखाई देगी। तो ये शैडो किस तरीके से फॉर्म होती है ये हमें यहाँ पे जानना है। इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ ए लाइट सोर्स, लाइट डज नॉट पास थ्रू इट। एज अ रिजल्ट द लाइट डज नॉट रीच अ वॉल और एनी अदर सर्फेस ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट पार्ट रिमेन्स डार्क एंड दिस डार्क पार्ट इज कॉल्ड द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि ये शैडो फॉर्म कैसे हुई है। देखिए जब हम लोग टॉर्च को ऑन करेंगे तो टॉर्च की जो लाइट है, ये जो भी यहाँ पे खड़े रहेंगे आपके फ्रेंड है या आपके भाई बहन जो भी होंगे, तो इनके बॉडी के ऊपर ये लाइट गिर रही है। तो जो हमारी बॉडी होती है ये ओपेक है, इससे लाइट तो पास होती नहीं। आपने भी देखा होगा कि टॉर्च की लाइट हमारे ऊपर आती है तो पास होती के पीछे नहीं, तो यहाँ पे लाइट पास नहीं हो रही है। तो इसीलिए ये बाकी की जो वॉल है यहाँ पर लाइट गिरने वाली है, लेकिन जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे लाइट नहीं गिरती है, क्योंकि बॉडी से जो लाइट आने वाली है वो तो पास नहीं होगी, जिसके कारण यहाँ पे उनके पीछे, ठीक इनके पीछे जो है लाइट पास नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे डार्कनेस दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। कम्प्लीटली जैसे हमारी बॉडी का शेप है उसी तरीके से हमें यहाँ पे जो है डार्क शैडो दिखाई देती है। इसी तरीके से क्या होती है, शैडो फॉर्म होती है। लाइट जब पास नहीं होता है किसी भी चीज़ से, जो ओपेक है, जैसे कि हमने पहले देखा ओपेक मीन्स जहाँ पे लाइट पास बिल्कुल भी नहीं होती, तो हमारी बॉडी भी क्या है, ओपेक है। इसीलिए यहाँ पे जो लाइट है पीछे हमारे बॉडी के पीछे पास नहीं होगी, जिसके कारण यहाँ पे हमारी जो शैडो है डार्क इस तरीके से फॉर्म होती है। तो यही रीज़न होता है कि शैडो फॉर्म होती है। उसके बाद यहाँ पे अगेन देखेंगे एक्टिविटी दी है, आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम यू इन अ बिग रूम एंड ऑब्टेन द शैडो ऑफ योर फ्रेंड ऑन द वॉल विद द हेल्प ऑफ ए टॉर्च। Now carry out the following actions, observe and make a note of the changes taking place in the shadow. तो ठीक उसी तरीके से आपको अगेन एक एक्टिविटी करनी है, आपके फ्रेंड को उस तरीके से खड़े करना है इस तरीके से, और टॉर्च लेकर आपको क्या करनी है, लाइट उनके ऊपर पकड़ना है आपको। लेकिन कुछ एक्शंस दिए हैं जो आपको यहाँ पे चेंज करने, क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट है सेंड दी फ्रेंड क्लोजर टू दी वॉल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से जो वॉल यहाँ पे दी है उसके क्लोज आपके फ्रेंड को खड़ा करना है और आप इस तरीके से टॉर्च पकड़ोगे। दे सेकेंड है आस्क द फ्रेंड टू कम टूवर्ड यू। उसके बाद उनको आपको बोलना है कि वो आपके तरफ चलते हुए आएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि शैडो में डिफरेंस क्या हो रहा है। देन थर्ड आपको दिया है नेक्स्ट
यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम हिम एंड टूवर्ड्स हिम अगेन। आप यहाँ पे मूव हो गए, अभी आपके फ्रेंड खड़े हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, उनसे थोड़ा सा दूर जाओगे पीछे और उसके बाद उनके पास आओगे टॉर्च लेकर, तो फिर शैडो में क्या चेंजेस आपको दिख रहा है ये आपको देखना है। फोर्थ वन, होल्ड द टॉर्च हाई एंड देन लो। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉर्च को हाई पकड़ना है फिर लो पकड़ना है, जिस तरीके से देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से आप टेबल ले सकते हो, चेयर ले सकते हो, उसके ऊपर खड़े होके फिर उनके ऊपर से, सर के ऊपर से आप लाइट अगर डालते हो तो आपको फिर क्या चेंज दिखाई देता है। एंड फिफ्थ वन है, गो टूवर्ड द लेफ्ट एंड देन टू द राइट ऑफ द फ्रेंड। आप क्या करोगे, एक बार राइट जाओगे इस तरीके से, यहाँ से आप लाइट पकड़ोगे, देन लेफ्ट जाओगे इस साइड से आप लाइट पकड़ोगे, तो क्या चेंजेस आपको दिखाई देते। तो देखिए हम यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपके फ्रेंड यहाँ पे क्लोज खड़े हैं और यहाँ पे आप टॉर्च अगर चालू करते हो तो यहाँ पे आपको जो इमेज है, जो शैडो है, इस तरीके से आपको वॉल पे दिखाई देगी। उसके बाद जैसे जैसे आप मूव करोगे, उनसे दूर जाओगे, अगर आपके फ्रेंड यहाँ पे खड़े हैं, आप उनसे थोड़ा सा दूर जाओ, पीछे जाओगे, तो फिर आपको शैडो यहाँ पे क्या होगी, कम ज़्यादा जो शैडो की हाइट है ये कम ज़्यादा होती हुई आपको दिखेगी। उसके बाद अगर आप टॉर्च को हाई पकड़ते हो इस तरीके से, अगर ऊपर से आप इस तरीके से टॉर्च पकड़ रहे हो तो जो शैडो है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी अगर आप देखोगे, और सामने से अगर आप इस तरीके से पकड़ोगे टॉर्च, सामने से अगर पकड़ते हो तो शैडो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, लेकिन अगर ऊपर से आप पकड़ रहे हो टॉर्च तो उसकी शैडो आपको यहाँ पे छोटी सी दिखाई देगी, शॉर्ट दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपके हाथ में टॉर्च और आपका फ्रेंड जो है वॉल के पास खड़ा था, जो आपके पास आ रहा है, तो अभी शैडो जो है आपको बिग दिखाई देगी, उनसी उनकी जो शैडो है ये बड़ी दिखाई देगी, और जब ये वॉल की तरफ जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो शैडो जो है छोटी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। तो ये सिंपल, एकदम सिंपल एक्टिविटी है, जो घर पे भी आप करोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगी। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड से आप टॉर्च पकड़ते हो, देखिए यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड से पकड़ोगे तो उसकी जो शैडो है अपोजिट डायरेक्शन में आएगी राइट साइड में, अगर आप राइट साइड से यहाँ पे टॉर्च पकड़ते हो तो उसकी शैडो आएगी लेफ्ट साइड में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी होगी। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म ओनली व्हेन लाइट डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमने पहले देखा, शैडो कब फॉर्म होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं होता है तभी शैडो फॉर्म होती है। द काइंड ऑफ शैडो इट फॉर्म डिपेंड अपॉन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस और द स्क्रीन ऑन विच द शैडो इज फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए हमें सोर्स ऑफ लाइट क्या दिया है, टॉर्च है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो आपका फ्रेंड है उसकी बॉडी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड सर्फेस और द स्क्रीन जिसके ऊपर शैडो फॉर्म होने वाली है, वो क्या स्क्रीन कौन सी, हमारी वॉल, ये हमारी स्क्रीन है। तो शैडो किस तरीके से फॉर्म होगी, इसके लिए ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट एंड जो स्क्रीन है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ही शैडो फॉर्म होती है। जैसे हमने देखा, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ड्यू टू सन लाइट इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग एंड द शॉर्ट इन द आफ्टरनून। तो देखिए अगर आप मॉर्निंग में देखोगे और इवनिंग में देखोगे तो जो शैडो होती है हमेशा लॉन्ग होती है, अगर आप आफ्टरनून में देखोगे तो शैडो कम होती है। जैसे कि कोई ट्री है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो आपके आजू बाजू में अगर कहीं पे ट्री है तो उसको आप ऑब्जर्व करो, मॉर्निंग में उसकी शैडो काफ़ी लंबी दिखेगी, इवनिंग में भी आपको लंबी दिखेगी, लेकिन आफ्टरनून में जो है उसकी शैडो आपको कम दिखाई देगी। कैसे, देखिए अगर मॉर्निंग में जो हम लोग बोलेंगे, देखिए अभी यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, और ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट से सूरज आता है, तो यहाँ पे अगर सूरज है ईस्ट में तो इससे क्या होगा, जो लाइट है ये यहाँ पे आएगी, तो इसकी जो शैडो है ये काफ़ी लंबी आने वाली है। अगर उसी तरीके से जब ये सन वेस्ट में जाएगा, वेस्ट में ढलने के टाइम यहाँ पे आता है, तो अगेन यहाँ पे जो लाइट यहाँ पे पड़ेगी इसकी शैडो क्या होगी, लॉन्ग होगी। लेकिन जब यहाँ पे आफ्टरनून में अगर ये सन यहाँ पे ऊपर हमारे सर के ऊपर आता है तो जो शैडो होती है ये हमारी शॉर्ट आ जाती है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। वी कैन ईजिली नोट दीज चेंजेस इफ़ यू ऑब्जर्व द ट्रीज अलॉन्ग द रोड साइड। आप किसी ट्री को ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर कोई जो फिक्स ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि कोई पोल लगा हुआ है बाहर, उसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस चेंज इन द शैडो डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो ऑन द सर्फेस ऑन विच द शैडो इज फॉर्म, जैसे हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी होगी। उसके बाद यहाँ पे दिया है आपको, डू यू नो में अ सन डायल। अ सन डायल इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट्स द टाइम विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन अ सनलाइट। तो सन डायल कुछ पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था यहाँ पे।
अर्लियर टाइम वॉज मेजर बाय प्लेसिंग अ स्टिक पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड बाय नोटिंग द पोजिशन ऑफ द ऑफ इट्स शेडोज ऑन द डायल एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। तो उस टाइम जब क्लॉक वगैरह नहीं थे या फिर टाइम मेजर करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, स्टिक को पैरेलल फिक्स कर देते थे, अर्थ एक्सिस जो है हमारा उसके पैरेलल स्टिक को क्या करते थे, वहाँ पे स्टिक कर देते थे, और उसके बाद जो स्टिक की शैडो गिरने वाली है उस शैडो के अकॉर्डिंग टाइम को मेजर करते थे। द लार्जेस्ट सनडायल इज एट जंतर मंतर न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो जंतर मंतर है वहाँ पे लार्जेस्ट सनडायल हमें दिखाई देता है। द रिसर्च वर्क प्रेजेंटेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट सर सी वी रमन रिगार्डिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द रमन इफेक्ट। तो इन्होंने जो थेरी जो रिसर्च किया है लाइट के ऊपर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, उसे क्या नाम दिया गया है, रमन इफेक्ट, जो कि उनका खुद का नाम था सी वी रमन, तो उनके नाम से उस थेरी को नाम दिया है रमन इफेक्ट। ही डिस्कवर दिस इफेक्ट ऑन 28 February 1928। टू कमरेट दिस इवेंट 28 February इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल साइंस डे। तो देखिए ये जो इफेक्ट है लाइट का, उन्होंने जब इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था 28 February को, तो उस दिन को ही नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 1987 इन इंडिया। 1987 से हम लोग क्या करते हैं, नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, जो रीज़न भी आपको यहाँ पे दिया है। अ लिटिल फन में आपको दिया है, यूज़ यूर हैंड्स एंड फीट टू मेक डिफरेंट शेडो शेप्स ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एक्सेट्रा। तो देखिए स्टूडेंट, आप घर में भी करते होगे, अगर नहीं करते हो तो करके देखिए। जब लाइट आप क्या कर सकते हो, रूम की लाइट ऑफ कर दीजिए, कोई टॉर्च सामने से लगा दीजिए या फिर मोबाइल का जो टॉर्च आता है उसे लगा दीजिए, उसके सामने आप जैसे भी हाथ के शेप्स बनाओगे उसकी शैडो आपको दिखाई देगी वॉल के ऊपर, जो कि काफ़ी फनी होती है। जैसे कि आप एनिमल्स बना सकते हो, बर्ड्स बना सकते हो, देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिया है, इस तरीके से अगर आप करोगे आपके हाथ को तो आपको शैडो वहाँ पे दिखाई देगी एनिमल्स और बर्ड के जैसे, उनके शेप के जैसे। लेट अस ट्राई दिस अगेन। आपको एक्टिविटी है जिसके लिए अपैरेटस लगने वाले हैं, ग्लास, वाटर, अ लार्ज वाइट शीट ऑफ पेपर। वहाँ पे एक्टिविटी क्या करनी है आपको, प्लेस अ ग्लास फिल विथ वाटर ऑन ए शीट ऑफ पेपर इन द विंडो सो दैट इट रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट व्हाट इज सीन ऑन द पेपर। तो देखिए आपको करना क्या है, एक ग्लास लेना है इस तरीके से जो कि ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कांच का ग्लास लेना है आपको, उसमें आपको पानी भरना है और उसके बाद एक वाइट पेपर के शीट के ऊपर उसे आपको रखना है। लेकिन ये जो ग्लास ये पेपर आप कहाँ पे रखोगे, विंडो में, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती होगी। तो क्या होगा, देखिए जो डायरेक्ट सनलाइट आती है ग्लास के थ्रू, ये सीधा पास होती है और फिर आपको पेपर के ऊपर इस तरीके से रेनबो के कलर्स दिखेंगे। कैन वी डू द सेम इन अ डार्क रूम विद द हेल्प ऑफ ए प्रिज्म एंड ए टॉर्च। तो देखिए ये कैसे होता है, जो लाइट है यहाँ पे क्या होगा, ग्लास जो है, पानी है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसके कारण जो लाइट आने वाली है विंडो से ये सीधा पास होती है यहाँ पे ग्लास के थ्रू और फिर हमें नीचे दिखाई देती है, ये रिफ्लेक्ट होती है पानी से। और जो सन लाइट है उसके आपको 7 कलर्स यहाँ पे दिखाई देंगे पेपर के ऊपर। तो 7 कलर्स क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हमारा सन लाइट है ये 7 कलर से ही बना हुआ है, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर हमें 7 कलर दिखाता है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, जो डार्क रूम है वहाँ पे जाके प्रिज्म, आपने देखा होगा प्रिज्म, तो प्रिज्म ले सकते हो आप और टॉर्च ले सकते हो। टॉर्च के थ्रू अगर लाइट आप प्रिज्म के ऊपर डालते हो तो प्रिज्म के बाहर के साइड से आपको जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके कैसे दिखेगी, 7 कलर्स, रेनबो कलर्स में आपको दिखाई देता है। सेकेंड आपको एपरेटस दिया है, सोप वाटर एंड अ स्मॉल लूप ऑफ वायर। इफ़ यू डिप द वायर लूप इन द सोप वाटर एंड देन ब्लो ऑन इट सो बबल्स आर फॉर्म। तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो, वायर लूप लेके सोप वाटर में उसको डुबा के उसके बाद बबल्स बनाना, या फिर डायरेक्टली वो आता है बच्चों को खेलने के लिए, देखिए बबल्स बनाने के लिए आता है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो लूप बनाए जाते हैं, जो लूप डुबाने के बाद, उस पानी में डुबाने के बाद अगर आप ब्लो करते हो तो बबल्स निकलते हैं, और जब ये बबल्स निकलते हैं तो उसमें भी आपको ना 7 कलर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि रेनबो में आपको दिखाई देते हैं। व्हाट डू यू सी ऑन होल्डिंग अ सीडी इन द सन। तो देखिए इस तरीके की जो सीडीज आपके घर में भी होंगी तो उसे अगर आप देखोगे ठीक से तो उसके ऊपर ना आपको कलर्स दिखाई देते हैं, रेनबो कलर्स की तरह कलर्स दिखाई देते हैं। इन द पास्ट द ब्रिटिश साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन मेड अ स्पेशल डिस्क, वन साइड ऑफ द डिस्क वॉज डिवाइडेड इक्वली इंटू 7 पेटल ऑफ द 7 कलर्स। तो इस तरीके से उन्होंने एक डिस्क बनाई थी जिसके ऊपर उन्होंने 7 कलर्स लगाए हुए थे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। द डिस्क वॉज फिटेड ऑन ए स्टैंड। तो इस तरीके से उस डिस्क को उन्होंने क्या किया था, स्टैंड के ऊपर फिट किया हुआ था।
एज द डिस रोटेट द सेवन कलर डिसअपीयर्ड एंड ओनली व्हाइट वॉज सीन। और जब इसको क्या किया जाता था, रोटेट किया जाता था इस तरीके से, तो उसके बाद ये कलर्स नहीं दिखाई देते थे, सिर्फ व्हाइट कलर दिखता था। दिस प्रूव दैट सनलाइट इज मेड ऑफ सेवन कलर्स। तो जो सनलाइट हमें व्हाइट दिखती है, एक्चुअल में वो व्हाइट होती है क्या? नहीं, उसमें सेवन कलर्स मिक्स होते हैं जिनके कारण हमें सनलाइट दिखती है। दैट इज़ वाई द डिस्क इज नोन एज न्यूटन डिस्क। तो ये डिस्क जो है ये न्यूटन ने बनाई थी, इसके लिए उसे नाम भी न्यूटन डिस्क ही दिया गया था। तो यहाँ पे आपको समझना है, जो सनलाइट हमें व्हाइट दिखती है या फिर कोई कलर उसमें दिखता नहीं है, लेकिन सेवन कलर से वो बना हुआ है। न्यूटन रोट अ बुक कॉल्ड ऑप्टिक्स अबाउट लाइट। तो उन्होंने एक बुक ही लिखा है जिसमें लाइट की पूरी थ्योरी उन्होंने दी हुई है। ऑलवेज रिमेंबर में देखेंगे, द शेप ऑफ ए शैडो डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस ऑन विच इट इज़ फॉर्म। जैसे हमने देखा था कि लाइट के लिए सोर्स ऑफ लाइट, जैसे हमने टॉर्च यूज़ किया था, ऑब्जेक्ट के लिए हमने फ्रेंड को यूज़ किया है, और स्क्रीन या फिर सर्फेस जहाँ पे शैडो गिरने वाली वो थी वॉल। तो इसके बीच में आने वाले जो डिस्टेंस है ये भी मैटर करता है कि शैडो किस तरीके से फॉर्म होगी। वी शुड नॉट गेट फ्राइटन बाई द शैडोज वी सी एट नाइट बिकॉज देयर इज अ सिंपल साइंस बिहाइंड दैट। तो देखिए, रात में जब कोई लोग, कुछ लोग जो होते हैं ना, क्या करते हैं, अगर उन्हें शैडो खुद की भी दिखती है तो भी डर जाते हैं, किसी एनिमल की शैडो दिखती है तो भी डर जाते हैं। तो इसके पीछे कोई जादू वगैरह या फिर मैजिक नहीं है, ये साइंस है जो हमने आज सीखा है कि किस तरीके से शैडो फॉर्म होती है। वॉट वी हैव लर्न, तो हमने इस लेसन से क्या सीखा? अ सब्सटेंस दैट एमिट्स लाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो देखिए, जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं ये क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। द नेचर, और हमने देखे थे कि कौन से सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, जैसे कि टॉर्च है, या जो बल्ब हम लोग घर में यूज़ करते हैं, ट्यूब लाइट्स है, या फिर सन जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर द सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज एक्सेट्रा। द लैंटर्न, द फ्लेम ऑफ कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेचुरली जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे लाइट मिलती है, जैसे कि सन और स्टार्स है, इन्हें हम नेचुरल सोर्सेज कहते हैं। लेकिन जो लैंटर्न ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हमने बनाए हैं, वो क्या है? आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, क्योंकि वो हमने बनाए हैं। लाइट इज़ प्रोपेगेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रोपेगेटेड मतलब स्प्रेड होना। तो लाइट स्प्रेड कैसे होता है? एक स्ट्रेट लाइन में होता है। लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है? अगर किसी चीज़ के ऊपर लाइट गिरती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक आती है, तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। क्योंकि अगर डार्क रूम है जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि वहाँ पे लाइट ही प्रेजेंट नहीं है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक आएगी नहीं और हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट इट कास्ट अ शैडो। अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होती है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट की शैडो हमें दिखाई देती है। व्हाइट सनलाइट कंटेन्स सेवन कलर्स। तो जो सनलाइट हमें व्हाइट कलर का दिखता है, वो एक्चुअली व्हाइट ना हो के वहाँ पे सेवन कलर उसमें मिक्स होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।